हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कभी भी हक बात कहने से मत घबराना, क्योंकि खुदा के सिवा ना तो कोई तुम्हारी जिंदगी कम कर सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिस्क रोक सकता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों की इज्जत नामूस पर हमले करने वालों को ना अपने पास बिठाओ और ना उनके पास बैठो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी हसद करने वाले शख्स से दोस्ती मत करो, वो मलऊन है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम हक पर हो तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, वक्त खुद गवाही देगा तुम्हारे हक पे होने की। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स पर ज्यादती ना करो जो तुम्हारे सामने खुदा के सिवा कोई मददगार ना रखता हो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस खुदा पर भरोसा करो जो नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिस्क बंद नहीं करता। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम किसी इंसान की इज्जत इसकी दौलत की वजह से करने लगो तो जान लो कि तुम ईमान को खो बैठे हो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपनी माँ का पैर छूमा गोया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी वक्त मिले अपने माँ बाप के साथ बैठ जाया करो, क्योंकि माँ बाप के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के दिन तुम्हारी निजात का बायस बनेगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वजन हल्का हो जाएगा।